एक नशा आवर शौहर के हमले में जख्मी बीवी बिला आखिर दौरान इलाज जख्मों से जान बर ना हो सकी और फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक शौहर के हाथों टूटी शराब की बोतल से गले कटने के बाद तश्वीशनाक हालत में एक कान की दवाखाने में जर इलाज खातून महलूक रेशमा बेगम के खानदानी जराए के मुताबिक तेलंगाना रियासत के ज़िले जगत्याल के मंडल मेठपल्ली के मौजे आरापेट से ताल्लुक़ रखने वाली शेख जाने अजीज़ा बेगम की 27 साल रेशमा बेगम नामी बेटी की हुजूराबाद मंडल करीमनगर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अफसर नामी शख्स के साथ अक्टूबर 2010 में शादी हुई थी। दोनों मियाँ बीवी बंडा मस्जिद कर्णपुर के करीब इलाके में क़याम पज़ीर थे। मोहम्मद अफसर जो कि पेशे के एतबार से ड्राइवर है, रोज़ाना अपनी बीवी के साथ हालत नशे में गाली गलौज और झगड़ा किया करता था। ये उसकी आदत बन चुकी थी, जिससे आजिज़ होकर उसकी बीवी रेशमा बेगम अपने मायके चली गई थी। ताहम दोनों के अफराद ख़ानदान की जानिब से सुलह करवाने के बाद रेशमा को दोबारा शौहर के पास भेज दिया गया था। 11 फरवरी को रात 11 बजे मोहम्मद अफसर अपनी बीवी रेशमा बेगम के साथ बदकलामी करते हुए उस पर शराब की बोतल से हमला करके कांच से रेशमा का गला काट दिया, जिसको शदीद तश्वीशनाक हालत में सितारा अस्पताल मदीना गुड़ा मियापुर मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज गुज़िश्ता रोज़ फौत हो गई। महलूक रेशमा बेगम की नाश को बाकर पोस्टमार्टम गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। महलूक रेशमा बेगम के वालिदैन ने इंसाफ का मुतालबा किया है। शाम में दो तीन बार पूछे हम लोग दो बार तीन बार पूछे हेलो बच्ची के ननंद है पेशेंट के कौन बिल आप बिल आप पे करे आप पे करे बिल आप क्यों कौन हो ना रिलेशन में आप कौन साला आप जो पेशेंट है उनके नंदो ही है आप एडमिट करा इस वाले आप ही से आप ही बिल क्लियर करे ठीक है आप ही डॉक्टर है रेशमा को मालूम सो बच्ची का अब बच्ची का कंडीशन क्या है प्रेजेंट तो रिचार्ज कर रहे हैं यहाँ से कहाँ भेज रहे हैं यहाँ से अब अच्छा है।